आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। तकरीबन 3.5 महीने बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में नरमी का रुख आया है। पिछले 4 दिनों में महंगी क्रूड की कीमत $119 प्रति बैरल से घटकर $113 से नीचे आ गई। बाजार में जुलाई महीने के लिए क्रूड के सौदे $109 प्रति बैरल पर चल रहे हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि अभी इसमें और कमी आएगी, लेकिन इस कमी का अभी आम जनता को फायदा नहीं होने की गुंजाइश है। अगर कमी का ये दौर यूं ही जारी रहे तो क्रूड कम से कम 3 से 5 हफ्तों तक $100 प्रति बैरल से नीचे रहे तब देश की तेल कंपनियां पेट्रोल व डीजल की मौजूदा खुदरा कीमत में कुछ राहत देने की स्थिति में होंगी। वहीं वैश्विक क्रूड बाजार का बेंचमार्क दिखाने वाले ब्रेंट क्रूड की कीमत $112.99 प्रति बैरल थी। पिछले शुक्रवार को ये कीमत $119.16 और पिछले सोमवार को ये $123.15 प्रति बैरल थी। इस तरह से हफ्ते भर में गिरावट 7% से ज़्यादा का है। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार की तेज़ी के लिए इस गिरावट को ही कारण बताया जा रहा है। क्रूड की कीमतों में गिरावट के लिए वैश्विक मंदी की आशंका मौजूद होने को एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। खास तौर पर जिस तरह से अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने एक झटके में जिस तरह से 0.75% ब्याज दर बढ़ाने का फैसला किया है, उसे मांग में कमी की संभावना जताई जाने लगी है। इससे क्रूड की मांग भी प्रभावित हो सकती है। वहीं सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ 2 से 4 दिनों की गिरावट के आधार पर देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। आम जनता को राहत तभी मिलेगी जब लंबे समय तक क्रूड की कीमतें $100 से नीचे रहे। मई 2022 में केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने के बावजूद तेल कंपनियों का कहना है कि उन्हें लागत से पेट्रोल को ₹9 प्रति लीटर कम और डीजल को ₹15 प्रति लीटर कम बेचना पड़ रहा है। यह अंतर तभी बनेगा जब क्रूड की कीमतें और तेज़ी से नीचे आए। उम्मीद की किरण जुलाई के लिए क्रूड के होने वाले वायदा कारोबार में दिख रही है। विश्व के बड़े क्रूड एक्सचेंज में जुलाई के लिए क्रूड की कीमत $109 प्रति बैरल दर्ज की गई है। वहीं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA ने चेतावनी दी है कि वैश्विक मांग की स्थिति को देखते हुए एनर्जी उत्पादों की मौजूदा कीमत को ऊंचे स्तर पर बनाकर नहीं रखा जा सकता है। क्रूड बाजार का मिजाज आने वाले हफ्तों व महीनों में बहुत कुछ आपूर्ति से भी तय होगा। देखना होगा कि रूस किस हद तक कच्चा तेल व गैस उत्पादन बढ़ाने व इसकी आपूर्ति करने में सफल रहता है। घरेलू बाजार में देखें तो 22 मई 2022 के बाद से पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है। तब उत्पाद शुल्क में कटौती की वजह से दिल्ली में एक दिन में पेट्रोल ₹105.41 से घटकर ₹96.72 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹96.67 प्रति लीटर से घटकर ₹80.62 प्रति लीटर हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।